Dear students, myself Rohit Kumar. Today I will teach you one word substitution. One word substitution पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ बता दें कि one word substitution होता क्या है, ये पेपर में कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं. जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी तरीके बेटा इंग्लिश में भी one word substitution होते हैं कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको हम बोलते हैं बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इस वीडियो को देखने से या शुरू करने से पहले बता दें इसमें 15 से 16 वैकैब होंगी टोटल. इस वीडियो में सभी वैकैब को अपनी नोटबुक में या फेयर में लिख के रख लीजिएगा और इनको तैयार भी कर लीजिएगा, ठीक है. और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा. चलिएगा चैनल को बेटा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. इसके बाद सीधा टॉपिक में शुरू करते हैं. जैसा कि दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन बेटा दिख रहे हैं, जिसमें कि 3 ऑप्शन इसमें गलत होंगे, 1 ऑप्शन हमारा सही. हमको राइट आंसर का चयन करना है. ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स. एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ज नहीं पे कर पाता, उसको हम बोलते हैं बेटा इंसॉल्वेंट. क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक है. इसका मतलब इसका ए नंबर हमारा सही हो जाएगा. इसके बाद पहला क्वेश्चन हो कम्प्लीट हो गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे. तो वर्ड्स यूटेड इम्पोजली अबाउट गॉड, इसका इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं. इसका जो राइट आंसर होगा, फिलोसफी दिया है, अमोरल दिया है, लॉजिक दिया है, इसका जो हमारा ब्लेसफेमी होगा, इसका राइट आंसर हमारा डी होगा. इसका मतलब होता है भगवान के बारे में लिखे गए कुछ शब्द, इसको हम ब्लेसफेमी कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, उस लिखा है अ नंबर ऑफ शिप, मतलब जो जहाज़ों का जत्था होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीट, गैलेक्सी, कॉन्सलेशन, ग्रुप, ठीक है. उसको हम बेटा बोलते हैं फ्लीट. क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट. इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हमारा सही होगा. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कम्प्रोमाइज, मतलब जो हमारा कंपोज़र होता है, लिखता है किसी डिक्शनरी को जो लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, जो डिक्शनरी लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं. तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, जियोग्राफर, लैक्सिकोग्राफर, लिंग्विस्ट, लैपिस्ट. इसका ऑप्शन बताने से पहले एक चीज़ बेटा बता दें कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे ग्राफर लिख जाता है, क्या लिख जाता है, ग्राफर, ग्राफर का मतलब ही होता है बेटा लिखने से संबंध रखता है. जैसे कैकोग्राफ, ठीक है, कैलीग्राफ मतलब क्या होता है, जो बहुत बदसूरत, जो बहुत खूबसूरत, उसको कैली होता है, कैको होता है. जो अगर ग्राफ शब्द लिखा, जैसे हम बोलते हैं कि ऑटो बाई, देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, उसी तरीके बायो का मतलब होता है जीवनी, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना, लिखने से संबंध. तो अगर तीनों को ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ऑटो बायोग्राफी, मतलब स्वयं की जो जीवनी लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑटो बायोग्राफी. इसी तरीके यहाँ कहेंगे लैक्सिकॉन, इसमें 2 वर्ड नए तैयार किए गए हैं. लैक्सिकॉन का एक वर्ड होता है लैक्सिकॉन, और लैक्सिकॉन का मतलब होता है शब्दकोश. क्या होता है, शब्दकोश. तो यहाँ पर जो एक नया वर्ड तैयार होगा लैक्सिकॉन प्लस ग्राफर, इसमें लिखा गया है कि लैक्सिकोग्राफर. तो जो लैक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को कंपोजर होता है उसको हम बोलते हैं बेटा लैक्सिकोग्राफर. बहुत अच्छी वैकैब है. इसके बाद नेक्स्ट वैकैब इसका बी नंबर सही होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ टेस्ट विच सेल्स फ्रॉम डिसीजेस ओरिजन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड. एक टेस्ट किया जाता है जो कैंसर का पता लगाता है, ठीक है, और एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जो हमारे सेल्स कोशिकाओं में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसका जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा बायोपसी. क्या बोलते हैं, बायोपसी. ये एक टेस्ट का नाम है जो शरीर में, जैसे कि हमारा, हमको कोई भी बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गई, मलेरिया हो गई, तो डॉक्टर बोलता है कि पैथोलॉजी चले जाओ. अब देखो पैथोलॉजी चले जाओ, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ आपका टेस्ट कर दिया जाएगा कि आपको क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है. अब पैथोलॉजी से देखो एक चीज़ आपको बता दें,
पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बीमारियों का अध्ययन किया जाए। लॉजी का मतलब है, देखो इसमें लिखा लॉजी जुड़ा है इसके लॉजी, तो पैथोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर बीमारियों की स्टडी किया जाए, और लॉजी का मतलब जैसे पैथोलॉजी ठीक है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, गायनकोलॉजिस्ट हो, जिसमें लॉजी लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, इसका हमारा आंसर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका ऑटोपशी हमारा आंसर, सॉरी बायोपशी, सॉरी सॉरी इसका बायोपशी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल शिप ETC वेयर ग्लास डिशेस स्पून, और जिस रूम में जिस स्मॉल एक कमरे में जिसमें आपका होटल शिप ग्लास डिशेस स्पून चम्मच जो आपका फूड इतनी वस्तुएं रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैंट्री। इसका बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, जो विदेशी होता है, जो किसी फॉरनर विदेशी में कंट्री में सेटल हो जाए रहने लगे उसको बोलते हैं इमी इन अ कंट्री, उसको हम बोलते हैं इमीग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमीग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमीग्रेंट। इसका 7 का ए नंबर हमारा सही होगा। इसके बाद 8 नंबर में ध्यान देंगे बेटा, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री, जो व्यक्ति बिल्कुल अपने मन का करता है, स्वेच्छा से करता है, बिल्कुल फ्री रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका इसको हम बोलेंगे सी नंबर, मतलब कि वॉलंटरी स्वेच्छा से। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 9th नंबर में, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, मतलब एक ऐसा स्थान जो रिफ्यूजी शरणार्थियों के लिए दिया जाए, शरणार्थी जहाँ पर रहते होते हैं उसको हम बोलते हैं शरणार्थियों को, ये सुना होगा ये वर्ड एसीलम, क्या बोलते हैं एसीलम। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्या, मैं ध्यान देंगे, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, देखिएगा एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटा कि जो केवल गैम्बल्स, मतलब गैम्बल्स मतलब क्या, जुआ जो खेलता है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेट्स मतलब जो शर्त भी लगाता है, जब दोनों, एक तो उसको बोलते हैं पंटर, क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, पंटर बोलते हैं, इसका ए नंबर सही हो गया। और जहाँ पर गैम्बल किया जाता है और जुआ खेला जाता है उस प्लेस को अगर पूछ ले क्या बोल जाता है, उसको कैसिनो बोला जाता है। क्या बोल जाता है, कैसिनो। कैसिनो का मतलब कि ये प्लेस वेयर गैम्बलिंग्स और बेट, ठीक है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है और शर्त लग, उसको कैसिनो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ठीक है, जो हमारा न्यूज़पेपर और मैगजीन तैयार करता है, रेडी करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा जर्नलिज्म। क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म। इसका 11वें का हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑन अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंडेड बाय समबडी, ठीक है, एक ठीक है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, 12वें का हमारा होगा फाउंडलिंग। क्या होगा इसमें, 12वें का हमारा फाउंडलिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट और रिवर ऑफ बैंक, जो हमारा किसी भी किसी पार्ट ऑफ कंट्री मतलब जो किसी नदी का जो किनारा होता है वो हमारा होता है हिंटरलैंड। क्या होता है, हिंटरलैंड, उसको उसका 13वें का हमारा सी नंबर सही हो गया। इसके बाद 14 में, आ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक है, इसका जो टेस्टीमोनियल होगा, क्या इसका कौन सा क्वेश्चन, इसका क्या होगा बेटा, टेस्टीमोनियल। इसका ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इसको हम ए नंबर में क्लिक कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं करता उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो गलती नहीं करता उसको हम बोलते हैं इनफेलिबल। क्या बोलते हैं, इनफेलिबल। इसका सी नंबर हमारा सही होगा, इसका सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड द राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखने में एक्सपर्ट हो उसको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड ध्यान दीजिए कि MB, देखो इसमें सभी भी चारों ऑप्शन में, देखो चारों ऑप्शन में MB लिखा है, MB इसमें भी 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 लिखा है, चारों ऑप्शन में MB का मतलब होता है ही है दो, और एक वाक्यब होती है बाई, बाई अगर कहीं लगा उसका भी होता है दो, कहीं अगर किसी वाक्यब में मोनो लगा हो तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। अब इसमें एक मूवी देखी होगी 3 Idiots, जो उसका प्रोफेसर होता है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो अगर ध्यान दिया होगा जिसने 3 Idiots मूवी देखी होगी 3 Idiots, उसका जो राइट प्रोफेसर जो होता है दोनों हाथों से लिखने में एक्सपर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं MB डेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं, MB डेक्स्ट्रस। ओके बेटा,
इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका बी आंसर, हमारा राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। और आज के लिए ये इतनी वाक्याब इनफ हैं, और ध्यान दीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगे आपको दोस्तों में शेयर करिएगा अधिक से अधिक, और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, सभी नोट्स बना लीजिएगा फेयर में लिख लीजिएगा, और आज के लिए ही इतना ही, ओके।